हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे अपना लास्ट ब्लॉग में अपना सब कुछ बताया था कि हाँ कि मेरा नाम, और तो जो मैं बता रहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो वाला ब्लॉग था ना, उसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। एंड मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं आपको अपना फ़ोन नंबर तो नहीं दूंगा, ठीक है? तो फिर आप कॉल करोगे तो मेरे को फिर पसंद। चलो छोड़ो, मैं तो अभी 12 साल का हूँ, मैं भी ऐसी बातें करने लग गया। चलो, तो अभी मैं आ गया हूँ स्कूल से। आप सोच रहे हो कि 4:30 मैं स्कूल से क्यों आया हूँ। मैं आज तो गया था 2:30, लेकिन लंच करते करते मेरे को हो गई 4:30। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, और मैं यहाँ खड़ा हूँ शीशे के पास, और मैं आईफोन से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। इसको उस ब्लॉग फ़ोन में सेंड कर दूँगा जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा होम टूर देने वाला हूँ। बस इस रूम को छोड़ के, इस रूम में मेरा बड़ा भाई है, मेरी मम्मा सो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है मेरा रूम जहाँ पर मैं नहीं सोता, मैं वहाँ सोता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मेरा बड़ा भाई सोता है, वहाँ मेरी दादी सोती है। तो मेरी दादी का रूम वो है, लेकिन वहाँ पे एसी नहीं है, तो इसमें तो लगाओ ना, इसमें लगाओ ना, और इसमें टीवी भी है। तो और ये है मेरी किचन, यहाँ पे प्लेट्स हैं, और यहाँ पे कप्स, डब्बा, सब कुछ है। और नीचे वो जो मेहमान ने वो जो हमारे मेहमान आते हैं उनके जो प्लेट्स निकलते हैं वो नीचे, और नए वाले कप्स। इसमें वो सामान रखती हैं मम्मा, इसमें मसाले, चीनी, मिश्री, सब कुछ इसमें होता है। और इसमें वो जो डोंगे वोंगे सब कुछ होता है ना, डोलू वोलू सब इसमें है। और ये है हमारा टेंट का, टेंट मिनरल का, टेंट का आरो, टेंट प्राइड प्लस मिनरल रो वाटर प्योरीफाई विद यूवी डिसइंफेक्शन इन टैंक। तो ये है मेरी शेल, और ये है गैस, और ये है जो भी आप इसे कह सकते हो, लेकिन ये बहुत पुराना है इसलिए जो जंग लग गया इसके नीचे, आप देख सकते हैं ये तो चलता नहीं है। और इसमें है चीनी, और वो जो चाय में डालते हैं ना शक्कर वो इसमें है। और ये है हॉट गैस, जिसमें जो रोटी मेरी मम्मा बनाती है वो इसमें रख देती है। और अभी मैंने खाना खाया। और ये है सिंक, सिंक में का थोड़ा प्लेट पड़ी तो आपको नहीं रास्ता। और ये है किचन का डस्टबिन। चलो चलते हैं। और वो आपको छोटी सी लाइट दिख रही होगी, वो ब्लू कलर की, वो है मेरा क्रोमा का स्पीकर। और ये है मेरा स्कूल का बैग, जीनियस का, और वो है मेरी फोटो, मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ, वो है मेरी फोटो। और ये है मेरे पापा का बर्थडे गिफ्ट, ठीक है? चलो यहाँ के लाइट बंद करते हैं। और ये है नीचे जो बेल बताता हूँ ना, मतलब घर घर में उसको अनलॉक करने का बटन, ये रहा देखने का, ये रहा ही देखो, जैसे मैंने फर्स्ट दबाया, अभी से बंद करते हैं, फिर से बंद करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट बटन दबाया तो ये पूरी जितनी वो कैमरा लगा हुआ है नीचे उतनी आ गई। और ये है वॉश मशीन, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। और ये है मंदिर वाला रूम, ये है मेरा सैमसंग का फ्रिज,
और यहाँ पे जो 17.5 से मतलब टेम्परेचर 17.5 से की लाइट आ रही है, 17 की ख़राब हो गई है। और ये देख सकते हैं ये फ्रिज कम से कम जो 4-5 साल पुराना है, लेकिन ये जो निशान मेरी मम्मा ने बनाया था ये अभी तक नहीं हटा, और ये इसकी 10 साल की वारंटी, अभी इसे 10 साल हुए भी नहीं है, ठीक है। और इसमें ये है मेरी अलमीरा, जिसमें जो मैं बाहर जाता हूँ ना मतलब वैसे ही घूमने, तो उसके बाहर जाने के कपड़े इसमें रखे हुए। इसमें मेरे डैडी के कपड़े हैं इस अलमारी में, और ये है हमारे घर का मंदिर, यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये पूरा मंदिर है, ठीक है। और ये है हमारे लड्डू जी जिनका भी बर्थडे आने वाला है, लेकिन उससे पहले तो मेरा बर्थडे बोला क्या, हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है। तो ये है हमारे गणपति पप्पा, इनको आप देख सकते हैं, और ये सब दो मूर्ति, एक गणपति पप्पा की मूर्ति, एक मास्टर जी की, ये सब है यहाँ पे। और ये है मेरा HP का सिल्वर कलर का लैपटॉप, और ये है उसका चार्जर, और ये है वो ड्रॉर्स जिसमें मैं अपने स्कूल के सारे वर्क्स रखता हूँ, और ये है चेयर जिसपे मेरी स्कूल ड्रेस पड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पर्सनल अलमीरा जिसमें मेरे घर अभी के कपड़े पड़े हैं, ये है रही इसमें मेरे कपड़े रखे हुए, इस साइड मेरे कपड़े, इस साइड मेरे बड़े भैया के कपड़े, इसमें मेरे इन दोनों में मेरे पापा, इन अलमीरा में मेरे पापा और मम्मा के कपड़े रखे होते हैं, ये इस साइड पापा के और इस साइड मम्मा के मतलब ये, और ये है यहाँ पर भी शीशा है, आपको मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। सो ये और ये है यहाँ, और मेरे घर में एक दो TV है, एक एलेक्सा है, और एक और चीज, एक ये है गूगल असिस्टेंट जो बिल्कुल एलेक्सा की तरह काम करते हैं, और ये है एक लैंप, और ये है मेरा बोट का हेडफोन ब्लू कलर का रॉकर 550, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और इसमें मैं इसे पहन लेता हूँ, और जिस फोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका कवर ये रहा। तो गाइस अब ये है कॉम स्टैंड, ये बहुत कॉम स्टैंड है, एक मैंने स्टैंड बनाया था इस पे मम्मा कॉम रखती है, और ये है मेरा बचपन का टेडी, इसका मैंने नाम भी रखा हुआ है, इसका नाम है बंकू, और मेरे हाथ पे देखो टैटू भी बना हुआ है वाइट मेरे नाम का, वाइट डॉट वाई से नाम शुरू होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल का नाम रख दूँ योग्य अरोड़ा व्लॉग्स, सही रहेगा ना। तो एक और फोटो भी है मेरी ये रही, बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, जितना भी मैंने नहीं दिखाया इस व्लॉग में बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, तब तक टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। और जैसे कि जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ तो उसके टाइटल क्या रख लीजिए, मतलब टाइटल तो मैं रख देता हूँ, मतलब शुरू में जैसे मैं बोलता हूँ हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, सो गाइस इसको थोड़ा अच्छा टॉपिक बना देना मेरे को, ताकि आप कमेंट कर देना वही मैं टॉपिक बोलूँगा व्लॉग के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो और ये घर जो है मेरे पास पूरे कम से कम जब मैं पैदा हुआ था ना 2011 की बात है, तब से घर मेरे पास है, तब से मैं इसी घर में बड़ा हुआ हूँ इतना, ठीक है। अब मैं हूँ 12 इयर्स का, आपको लग रहा होगा कि 2011 में हूँ तो 12 इयर्स का क्यों, वैसे मैं हूँ 11 का, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं 12 साल का हूँ 12 इयर्स का। तो ये एक और ड्रॉअर है जिसमें मैं अपने पेंस डब्बे सब कुछ रखता हूँ, और नीचे मम्मा ने अपने मेकअप मतलब वो उसका सामान रखा हुआ है पर्सनल यूज़ का, और
मेरी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको जो मैंने अपने पुराने स्कूल में खिंचाई थी। अभी तो मैं हाँ मैं अपने आपको स्कूल का नाम मैंने उस डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था लास्ट वाले ब्लॉग में। तो मेरी फोटो कहाँ है, लगता है फोटो अंदर ही होगी पर्स में मेरे। और एक सेकंड में इसे बंद कर लेता हूँ। हाँ सो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, आप मेरे को बता देना कि अगला व्लॉग मैं होम टूर तो मैंने आज आपको देखिए, लेकिन अगले नेक्स्ट व्लॉग मैं रखूँगा। जितना मैंने इस व्लॉग में नहीं बताया वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। सो आप कमेंट कर देना जो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को मेरी आ रही है नई साइकिल फैट बाइक, और फैट बाइक आ रही है मेरी मोटर टायर वाली साइकिल, देखिए ना वो आ रही है। और अभी चल रहे हैं मेरे एग्ज़ाम। अब मेरा एग्ज़ाम है 9 अगस्त को, और 10 अगस्त को मेरा बर्थडे है। और मेरा स्कूल का नाम है GD गोयनका पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली 110063। और वो है ज्वेलरी ज्वेलर एरिया ना जो बहरीन क्लेव है उसके एज ए गोल चक्कर जिस साइड से हम ज्वेलरी जाते हैं जिस रास्ते उसके जो पहले लेफ्ट में वो आते हैं मेजर एसवाना मार्ग उस जगह जाना है, और सीधा जाते जाओगे तो आपको मिल जाएगा GD गोयनका पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार। मैं हूँ अभी 7D 7th क्लास में हूँ मैं, और मेरा स्कूल का सेक्शन है D है, और मेरा रोल नंबर है 29। और सो गाइस अब फाइनली एंड कर लेते हैं। सो गुड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय बाय।